तो ऐसी एडिटिंग करने के लिए आप लोग को वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। और मैं एक बात आप लोग को बता दूं, वीडियो मैंने पासवर्ड दिया है 6 डिजिट का, तो 2-2 डिजिट आप लोग को वीडियो मिलेंगे, इसके बिल्कुल मत करना। और एडिटिंग कैसे होती है चलो मैं आप लोग को बताता हूँ। सबसे पहले रिकॉर्डिंग आप लोग को कुछ ऐसे कर लेनी है, आप लोग को इस जगह पर आ जाना होगा, ठीक है। तो इस जगह से आने के बाद आप लोग को जॉयस्टिक पकड़ के चलना है आगे को, और अपने दोस्त को आगे खड़ा कर देना, और इमोट कोई भी मार लेना जो भी आपको पसंद हो। मैं ये वाला मार लेता हूँ, ये मुझे क्राफ्ट लैंड से मिला था, तो ये भी अच्छा है इमोट, तो मैं यही मार लेता हूँ। और उससे बोल देना कि तू बैक कर ले, जैसे ही आपका इमोट ख़त्म हो उससे बोल देना बैक कर ले, तो वो बैक कर लेगा। अब 2-3 सेकेंड ऐसे ही खड़े रहना, फिर आप लोग भी बैक कर लेना। और अब आती है एडिटिंग की बात, एडिटिंग मैं कैपकट से करूँगा। आप लोग को जो भी ऐप वगैरह सही लगता हो आप लोग देख लेना, मैं कैपकट से करूँगा तो कैसे होगा चलो देखते हैं। चैनल पे अगर आप लोग नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर प्रेस कर देना, जिससे कि मेरे वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो एडिटिंग करते हैं, तो एडिटिंग में सबसे पहले मैं रेशियो अपना चेंज करता हूँ, आप लोग को पता ही होगा मैं 1:1 बनाता हूँ, आपको जो भी ठीक लगे आप लोग बना लेना। तो सबसे पहले मैं इधर एक ट्रिम लगाऊँगा, ठीक है, कट लगाऊँगा। पहले इसको मैं ठीक से एडजस्ट कर लेता हूँ, आपका जैसा वीडियो हो ना, जैसे भी आप रिकॉर्ड करते हो आप लोग पहले एडजस्ट कर लेना और उसको साउंड के हिसाब से ऐड कर लेना, ठीक है। अब मैं आपको साउंड दूंगा, साउंड आप लोग को मिल जाएगा, बट स्किप मत करना क्योंकि पासवर्ड है, तो स्किप करोगे तो पासवर्ड भाई आप लोग मिस कर दोगे, तो मटेरियल भी आप लोग डाउनलोड नहीं कर पाओगे। तो मैं यहाँ से साउंड ले लेता हूँ, आप लोग को मिल जाएगा मटेरियल में, और इसके हिसाब से आप लोग एडजस्ट कर लेना, जहाँ पर भी बीट हो आप लोग एडजस्ट कर लेना। तो मैं ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। तो साउंड के जैसे मैंने थोड़ा एडजस्टमेंट कर लिया, अब मैं आप लोग को मटेरियल में एक ओवरले का लिंक दे दूंगा, आप लोग वो डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तो आप लोग इस ओवरले को देखो, उसमें ग्रीन स्क्रीन है ना, तो सबसे पहले इसको क्रोमा की कर लेंगे, आप लोग अपने हिसाब से कर लेना, मैं अपना पहले क्रोमा की कर लेता हूँ। तो क्रोमा की तो मैंने कर लिया है, अभी इसको HSL में जाके एडजस्ट में इसका ग्रीन कलर पूरा माइनस कर देंगे सैचुरेशन। अब अपने हिसाब से आप लोग सेट कर लेना ओवरले को, और इसके बाद मैं एक आप लोग को ओवरले और दूंगा, लेकिन ये ओवरले जो होगा ये मेरे वीडियो के अकॉर्डिंग होगा। आप लोग को मैं लास्ट में वीडियो के लास्ट में आप लोग को सिखा दूंगा कि वो ग्रीन स्क्रीन ओवरले कैसे बनेगा, ठीक। तो अभी आप लोग पूरा वीडियो देखो, और हाँ इस मिस मत करना, इसमें मैंने पासवर्ड दिया तो आप स्किप कर देते हो ना वीडियो को, तो आप स्किप मत करना, पूरा वीडियो एंजॉय करो। और आप लोग को ये जो क्लिप ली है ना अपने ग्रीन स्क्रीन, इसमें एक लास्ट में फ्रीज लगा देना है, जो कैपकट में मिल जाएगा आपको, मैं जैसे कर रहा हूँ आप लोग वैसे ही करना। फ्रीज लगाने से ये होगा कि आपकी जो भी ये ब्लास्ट था ना, ये आपका हटेगा नहीं, ठीक, तो ये बिल्कुल सेम वैसे ही रहेगा। अब आपको जो ओवरले मैंने बताया ना, वो यहाँ पर लाएंगे, पहले पूरा सेट कर लेते हैं, अभी सेट नहीं हुआ है पूरे तरीके से। साउंड के हिसाब से अगर एडजस्ट करोगे ना तो भाई बिल्कुल परफेक्ट होगा, और अच्छा भी लगेगा वीडियो देखने में। तो जो मैं ओवरले बता रहा था ना, ये मैंने अपने वीडियो के हिसाब से बनाया था, आप लोग अपने वीडियो के हिसाब से बना लेना, और मैं सिखा दूंगा आप लोग को वीडियो के लास्ट में, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। इसको मैं क्रोमा की कर लूँगा सबसे पहले, शेडोज़ की बढ़ा दूँगा और इंटेंसिटी अब इसको सेट कर लूँगा। पहले इसको आप लोग देख लेना कि ये जो मतलब ओवरले है ना दूसरी, ये मतलब कब मर रहा है, तो मतलब साथ में जब गिरे बंदा, ये जो भी एनिमी है ना, जब साथ में गिरे तो आप लोग सेट कर लेना इसको बराबर पे, और छोटा बड़ा आप लोग अपने हिसाब से देख लेना, मैं कर लेता हूँ। तो इतना हो जाने के बाद आप लोग को एक ओवरले और दूंगा, वो मैं लास्ट में दे दूंगा, आप लोग टेंशन मत लेना, मटेरियल में आप लोग को सब मिल जाएगा। तो एडजस्टमेंट करने के बाद अभी आप लोग को मैं एक ओवरले दूंगा, ओवरले भी आप लोग को मटेरियल में मिल जाएगा। आप लोग देखो मैं ओवरले लूँगा, इसमें आप लोग को मतलब रिमूव करके आपको जो भी लिखना हो ना आप लिख सकते हो। मैंने अपने लिए भी एक पर्सनल बनाया है, आपने वीडियो में तो देखा ही होगा, तो इसमें थोड़ा चेंज है। तो सबसे पहली ओवरले होगी कि उसमें लिखा होगा कि अब क्या करेगा, ठीक है। तो मैं आप लोग को दिखा देता हूँ, ये वाली ओवरले होगी, थोड़ा मैं देख लेता हूँ। तो ये भाई इसको छोटा करके एनिमी के पास रख देंगे, और एक ओवरले और होगी, पहले इसको थोड़ा सेट कर लेते हैं, छोटा कर लेते हैं।
अब एक ओवरले और दूंगा, ये मैंने अपने लिए बनाई थी, आपको जैसा ठीक लगे आप लोग उसका टेक्स्ट रिमूव करके अपना कोई भी टेक्स्ट लगा लेना। इसमें मैंने लिखा है बस देखता जा, इसको अपने पास रख लेंगे, मतलब मैंने बोला है ना कि आपको जैसा भी ठीक लगता है आप लोग अपने लिए बना लेना। तो अभी इसको पहले एक बार देख लेते हैं ठीक से कैसा बना है। तो ये ठीक ही चल रहा है, और हाँ लास्ट में एक ओवरले और लगा देंगे जहाँ पे ये बंदा मरता है। तो यहाँ पे एक किल वाला लगा देंगे, ग्रीन स्क्रीन किल आइकन, तो ये भी आप लोग को मटेरियल में मिल जाएगा, आप लोग ले लेना। इसको भी ग्रीन स्क्रीन से क्रोमा की कर देंगे, शेडो हल्का बढ़ा लेंगे और इसको छोटा करके ऊपर रख देंगे। एक सेकंड या दो सेकंड के लिए रखना, आप लोग ज़्यादा मत रखना, पर अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। तो अभी इसको मैं ठीक से एडजस्ट कर लेता हूँ, आप लोग कर लेना, आप लोग वीडियो देखते जाओ। और आप लोग को एक नोटिफिकेशन साउंड और दे दूंगा, मतलब आप लोग नोटिफिकेशन ही बोलते हैं उसे, किल नोटिफिकेशन बोलते हैं। तो मैं इसको भी लगा दूंगा मटेरियल में, ये भी मिल जाएगा आप लोग को। इसको एडजस्ट में कर लेता हूँ, और देखो भाई आप लोग पूरा वीडियो देखो, आराम से एडिटिंग करना, जल्दबाजी मत करना, अच्छा अगर आप लोग को बनाना है। अगर क्वालिटी के ऊपर आप लोग को चाहिए तो आप लोग कमेंट कर दिया करो, मैं बना दूंगा। और ये फाइनल रिजल्ट देख लेते हैं कैसा बना है, और उसके बाद मैं आप लोग को बताऊंगा कि अपने एनिमी का बैकग्राउंड रिमूव कैसे करना है, ग्रीन स्क्रीन बनाना भी सिखा दूंगा। तो अभी ये बिल्कुल परफेक्ट बन चुका है, इसको मैं साउंड कम करके इसका एक्सपोर्ट कर लेता हूँ, उसको हाई क्वालिटी पे एक्सपोर्ट करना, तभी आप लोग की क्वालिटी अच्छी आएगी। अब आपको बता देता हूँ कि आपको ग्रीन स्क्रीन एनिमी का कैसे बनाना है। तो सबसे पहले अपना कैपकट ओपन कर लेना, और कैपकट ओपन करने के बाद आप लोग ग्रीन स्क्रीन ले लेना कोई भी, और अपनी जो भी क्लिप हो एनिमी की वो ले लेना। तो मैं सबसे पहले क्रॉप कर लेता हूँ अपने हिसाब से। क्रॉप करने के बाद इसको आगे ले आएंगे अपने ग्रीन स्क्रीन के ऊपर, अब इसको क्रॉपिंग करेंगे, ठीक है। जो भी है अपने एनिमी को जूम करेंगे, क्रॉप कर देंगे पूरी तरह से। अब इसे क्रॉप हो जाने के बाद इसमें क्रोमा की कर देंगे, सैचुरेशन आप लोग बढ़ाओ तो बढ़ा लेना, बट मैं ऐसे ही क्रॉप करके इसकी क्रोमा की कर दूंगा। क्रोमा की करने के बाद ये इतना परफेक्ट तो नहीं होगा पूरा कट, बट हो जाएगा इतना, मतलब इतना समझ में नहीं आएगा शॉर्ट में, आप लोग के लिए बढ़िया बन जाएगा। जैसे आप लोग देख लो, मैंने भी ऐसे यूज़ किया था शॉर्ट वीडियो में, आप लोग देख लो, हल्का सा बढ़ाना आप लोग, ज़्यादा नहीं। और इतना हो जाने के बाद आप लोग इसको एक्सपोर्ट कर लेना। तो एक्सपोर्ट करने के बाद आप लोग को तो मैंने पहले वीडियो में बता ही दिया कि आप लोग को उसको ऐड कैसे करना, उसमें एडिटिंग पूरी बता दी। अगर आप लोगों ने फिर से अगर स्किप कर दिया तो आप लोग देख लो जाके यार दोबारा, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन ऑल पर प्रेस कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।